दोस्तों, कुछ दिनों पहले नोएडा में एक 65 साल के आदमी को एक 3 साल के बच्ची पे डिजिटल रेप कमिट करने के चार्जेस पे कन्विक्ट किया गया है। अब ये न्यूज पब्लिक अटेंशन गार्नर करने के बाद से मुझसे कई दफा ये पूछा गया है कि ये डिजिटल रेप क्या है। इज इट रिलेटेड टू द इंटरनेट समहाउ? इज इट कमिटिंग अ सेक्सुअल ऑफेंस थ्रू अ वीडियो चैट? व्हाट इज इट? तो चलिए आज बात करते हैं डिजिटल रेप के बारे में। अगर आप सोच रहे हैं कि द वर्ड डिजिटल रेप इज समहाउ रिलेटेड टू द इंटरनेट और द ऑनलाइन वर्ल्ड, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहां पे डिजिटल रेप और डिजिटल ये वर्ड आ रहा है फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ड डिजिट। अब क्या मतलब है डिजिट का? 1, 2, 3, 4, 5 ये एक मतलब हो सकता है, बट नो, डिजिटल रेप इज नॉट अ रेप कमिटेड बाय अ मैथमेटिशियन। यहां पे ना डिजिट का जो दूसरा मतलब है वो प्ले में आ रहा है। इट मींस अ थंब और अ फिंगर और अ टो। आपके हाथ पैर के जो उंगलियां होती है ना, उनको भी डिजिट्स कहा जाता है। एंड दैट्स वेयर द वर्ड डिजिटल रेप फाइंड्स इट्स ओरिजिन। इंडिया में प्राइमरीली रेप को दो स्टैट्यूट्स में डिफाइन किया गया है। एक तो है IPC द इंडियन पिनल कोड और दूसरा है द पॉक्सो एक्ट, The Protection of Child Against Sexual Offences Act, जो specifically sexual offences against a minor, यानी कि individuals below the age of 18 years, उससे deal करता है। अब 2012 से पहले अगर हम rape के definition को देखें, जो section 375 में दिया गया है IPC के, तो it essentially included penetration of a woman's vagina by the penis of a man। तो obviously आप समझ सकते थे कि काफी restricted था ये definition। एंड 1998 में एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल हुआ था, जहां पे पिटीशनर्स की मांग ये थी कि रेप के डेफिनेशन के अंदर इंसर्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द मेल बॉडी इनटू एनी ऑरिफिस और एनी होल ऑफ द फीमेल बॉडी, ये इंक्लूड किया जाए। बट एट दैट टाइम सुप्रीम कोर्ट डिसमिस द पिटीशन, सेइंग दैट कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस डेफिनेशन में कोई चेंज लाएगी तो दैट वुड प्रोबेबली क्रिएट सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन द पब्लिक साइकी, एंड द पार्लियामेंट वॉज रिक्वेस्टेड टू लुक इन टू द मैटर, बट ऑब्वियसली इट वॉज नेवर लुक्ड इन टू। बट एवरीथिंग चेंज्ड इन अ नाइट ऑफ डिसम्बर 2012 के उस निर्भया इंसिडेंट के बाद द क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 को लाया गया और द एग्जिस्टिंग रेप लॉस उनको पूरी तरह से मॉडिफाई कर दिया गया। पहले तो सेक्शन 375 में सेक्सुअल इंटरकोर्स इस टर्म को चेंज करके रिप्लेस करके पेनिट्रेशन ये टर्म लाया गया। तो पहले सेक्शन 375 रेप को डिफाइन करती थी कुछ इस तरह, व्हेन अ मैन कमिट्स सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन अ वुमन ब्ला 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 ब्ला। अब ऑब्वियसली सेक्सुअल इंटरकोर्स ये टर्म काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था कि व्हाट वुड कंप्राइज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। एंड ऑब्वियसली ओवर टाइम द कोर्ट्स बाय इट्स जजमेंट्स एंड प्रेसिडेंट्स काइंड ऑफ ट्राइड टू डिफाइन व्हाट सेक्सुअल इंटरकोर्स इज, एंड इट डिड, बट देयर वाज स्टिल रूम फॉर कंफ्यूजन। इस टर्म को रिप्लेस करके और पेनिट्रेशन टर्म को इनकॉर्पोरेट करके दिस कंफ्यूजन वॉज एलिमिनेटेड वंस एंड फॉर ऑल। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, 2013 में सिर्फ पेनाइल वेजाइनल इंसर्शन को ही रेप माना जाएगा, इस डेफिनेशन को भी पूरी तरह से बदल दिया गया। वो 1998 वाला पिटीशन याद है आपको, उसको कई हद तक एक्सेप्ट कर लिया गया एंड सेक्शन 375 के अंदर क्लॉज बी को इंसर्ट किया गया, अकॉर्डिंग टू विच अ मैन विल बी सेड टू हैव कमिटेड रेप इफ ही इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस इनटू द वजाइना यूरेथ्रा और एनस ऑफ अ वुमन। तो डिमांड 1998 वाला ऑफ कंसीडरिंग द इंसर्शन ऑफ एनी बॉडी पार्ट ऑफ अ मेल इनटू एनी ऑरिफिस ऑफ अ फीमेल, उसको पूरी तरह तो इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, बट सिर्फ पेनाइल वेजाइनल इंसर्शन को ही रेप माना जाएगा, इस डेफिनेशन के स्कोप को बढ़ा के इंसर्शन ऑफ एनी बॉडी पार्ट इनटू द वजाइना यूरेथ्रा और एनस ऑफ अ वुमन, ये किया गया। अब जनरली स्पीकिंग, अदर देन द पेनिस, द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ मेल दैट कैन बी यूज्ड फॉर इंसर्शन आर हिज फिंगर एंड टोज, राइट? एंड व्हेन दोज आर यूज्ड, उसे डिजिटल रेप कहा जाता है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वर्ड
digit, meaning finger and toes, finger or toes. इसके पहले यानी कि 2013 के amendment से पहले जो भी offences इस digital rape के definition के अंदर आता है, आता था, उसे रेप कंसीडर ही नहीं किया जाता था. उनको कमिट करने पर द चार्जेस दैट वुड हैव बीन ब्रॉट अगेंस्ट द ऑफेंडर वाज दैट ऑफ मेयरली आउटरेजिंग अ वुमन्स मॉडेस्टी, जिसके लिए मैक्सिमम सजा सिर्फ 2 साल तक का दिया जा सकता था. तो आप समझ सकते थे कितना अनफेयर था ये लॉ. अगर एक औरत के विल के अगेंस्ट एक ऑफेंडर पेनाइल पेनेट्रेशन करता है तब तो उसे रेप कंसिडर किया जाएगा. But suppose he does a finger insertion, the trauma for the woman will be same. But Indian law उसे rape consider करेगी ही नहीं, उसे merely molestation consider करेगी और maximum 2 साल तक का सजा देगी. That how unfair the law was. But after 2012 उस निर्भया incident के बाद जब the nature of the crime came into the forefront, जब देश को देखने को मिला कि कैसे even fists and hands or even iron rods were used for penetrative sexual assault, तब शायद कानून भी और चुप नहीं रह सका. And digital rape, that is penetrative sexual assault on a woman with hands or fingers or fists or even any outside object, foreign object, उसको rape के definition के अंदर incorporate किया गया, section 375 के अंदर incorporate किया गया. So that कानून के इस लूप होल को इस्तेमाल करके सेक्सुअल ऑफेंडर्स अपने आप को बचा ना सके. एंड सिमिलरली पॉक्सो एक्ट में भी सेक्शन 5 के अंदर पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इसके डेफिनेशन के अंदर डिजिटल रेप के प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट किया गया. एंड फाइनली द रेप लॉज ऑफ इंडिया टुक अ बिग स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग एज एग्जॉस्टिव एज वी द कंसर्न सिटीजन्स ऑफ इंडिया would like to see. Yeah, so that's it. That's the video on digital rape and how it became a part of the Indian legislation. By the way, क्या आपको पता है कि even though उस निर्भया incident के वजह से ही the Criminal Amendment Act 2013 को लाया गया था, but the accused of that incident of the Nirbhaya case, उनको इस नए laws के अनुसार सजा नहीं दिया जा सका था. उन्हें पुराने law के हिसाब से ही सजा देना पड़ा था. ऐसा क्यों? इसे जानने के लिए आप इस एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ वाले वीडियो को जरूर देखिए. इस वीडियो में इसी चीज को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है. पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल ठीक ठाक लग रहा है तो. चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो पे.